हेलो बच्चों, लास्ट पेज पेज नंबर 82 तक हमने कंप्लीट करा था, है ना। जिसमें हमने क्या पढ़ा था, इंग्लैंड मार्केट में कैसे हमारा इंडियन टेक्सटाइल फेमस हुआ, कैसे हमारा कॉटन क्लॉथ्स फेमस हुआ, वहाँ का डिज़ाइन सबको पसंद आने लगा, क्वीन टू है ना, इंग्लैंड की रानी को भी डिज़ाइन पसंद आने लगा, है ना, यही पढ़ा था ना। ओके, अब आगे देखेंगे पेज नंबर 83 पे, इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोप मार्केट्स। यूरोप मार्केट्स में इंडियन टेक्सटाइल कैसा रहा, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बाई द अर्ली 18th century, वॉरीड बाई द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, वूल एंड सिल्क मेकर्स इन इंग्लैंड बिगन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन क्लॉथ टेक्सटाइल, है ना। इन 1720 द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनेक्टेड अ लेजिस्लेशन बैनिंग द यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल चेन्स इन इंग्लैंड, है ना। इंटरेस्टिंगली दिस एक्ट वॉज नोन एज कैलिको एक्ट। इसमें क्या हुआ था, कॉटन टेक्सटाइल हमारे इंडिया का जो कॉटन टेक्सटाइल था वो दूसरे दूसरे देश में जा रहा था, है ना, लाइक इंग्लैंड में, यूरोप में, है ना, इराक में, है ना, इन सारे जगह पे जा रहा था। तो इंग्लैंड वाले ने सबसे पहले प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, हमारे इंडियन कॉटन को बैन कर दिया, दूसरे देश पे जाने से उन्होंने रोकने के लिए प्रोटेस्ट करा कि तुम दूसरे देश नहीं भेज सकते, नहीं भेजोगे, है ना। ऐसा बोलो क्यों कर रहे थे, ताकि हमारा देश बिल्कुल, अब जब हम किसी को कुछ देंगे, लाइक बिजनेस है ना ये, अगर हम दूसरी कंट्री को कपड़ा देते हैं, कॉटन देते हैं, वहाँ पे पसंद आने लगा सबको, सब लोग खरीदने लगे, बदले में वो लोग तो पैसे देंगे ना, पैसे देंगे, हम लोग पैसे लेंगे, हमारा इंडिया इस तरीके से रिच होगा। और पहले तो रिच था ही, जब ब्रिटिश नहीं आया था तब तो बहुत ही रिच था, है ना, ब्रिटिश के आने से पहले, ब्रिटिश रूल्ड से पहले, है ना। तो उस वक्त भी कुछ ऐसा ही था, वो लोग प्रोटेस्ट करने लगे, ठीक है, लेकिन किसी के मना करने से कोई क्यों रुकेगा, है ना। इंडिया वाले भी ऐसा नहीं रुके, ठीक है, उस वक्त मतलब वो लोग बिल्कुल इसके प्रोटेस्ट करने लगे। फिर वो उन्होंने क्या किया, आगे देखो, एट दिस टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब वो लोग प्रोटेस्ट स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है, जिस एक्ट का नेम क्या था, कैलिको एक्ट, ठीक है। आगे देखिए, एट दिस टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैड जस्ट बिगन टू डेवलप इन इंग्लैंड। ये वही टाइम था जब अपना इंडियन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था वो इंग्लैंड में थोड़ा थोड़ा डेवलप होने लगा था, है ना, मतलब इंडिया में फेमस, मतलब इंग्लैंड में फेमस होने लगा था इंडिया का प्रोडक्ट, है ना। फिर इंग्लैंड वाले ने क्या किया, अनेबल टू कम्प्लीट विद इंडियन टेक्सटाइल, इंग्लिश प्रोड्यूसर वॉन्टेड टू सिक्योर मार्केट विद इन द कंट्री बाई प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। द फर्स्ट टू ग्रो अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन वॉज द कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री, इंडियन डिजाइन वेयर नाउ लिमिटेड एंड प्रिंटेड इन इंग्लैंड ऑन वाइट मोलसीन और प्लेन अनब्लीज्ड इंडियन क्लॉथ। मतलब क्या हुआ, मतलब उस वक्त और क्या करने लगे लोग, इंग्लैंड वाले क्या करें, जो हमारा जो डिज़ाइन था, जो हमारा कॉटन का डिज़ाइन था, है ना, उसको वो लोग कॉपी करने लगे, ठीक है, हमारी डिज़ाइन को नकल करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर दिया। इंग्लैंड में ही एक इंडस्ट्री सेटअप कर दिया, कॉटन इंडस्ट्री, ठीक है, और वहाँ पे वो बिज़नेस करना स्टार्ट कर दिया, हमारा डिज़ाइन चुरा के वो बनाने लगे और वो ट्रेड उसका स्टार्ट कर दिए, ताकि हमारे इंडिया को कंपटीशन मिले, कंपटीशन करने लगे हमारे साथ, है ना, कि ऐसे नहीं तो अब ऐसे, अब हमारा डिज़ाइन फेमस होगा तब तो इंडिया वाले खुद ब खुद रोक देंगे, उनका कोई खरीदेगा ही नहीं तो वो क्यों भेजेंगे, ऐसा करने लगे वो लोग, ठीक है। आगे देखिए, कंपटीशन विद इंडियन टेक्सटाइल आल्सो लेड टू सर्च फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन इंग्लैंड। अब देखो, हमारे इंडिया में तो इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, हमारे इंडिया में क्या होता था, हाथ से काम होता था, हाथ से कपड़े बुने जाते थे, है ना, धागा, मतलब पहले के ज़माने में क्या होता था, आपने देखा है ना, चरखा एंड क्या क्या ऐसा होता था, है ना, उन चीज़ों से। हमारे यहाँ तो इंडस्ट्री थी नहीं, कुछ था नहीं वैसा, उन लोगों की तरह तो कोई भी टेक्नोलॉजी था नहीं हमारे पास। तो इंग्लैंड वाले क्या किए, इंग्लैंड वाले टेक्नोलॉजी अपनाने लगे, ठीक है, स्पाइनिंग जेनी, ठीक है, ये इन्वेंट किया इंग्लैंड वालों ने। ये किनके द्वारा इन्वेंट किया गया था, जॉन के द्वारा, ठीक है, कब, इंक्रीजिंग, ये क्यों इन्वेंट किया गया, फॉर प्रोडक्शन ऑफ, ताकि वो ज़्यादा प्रोडक्ट कर पाए कॉटन। हम हाथ से करेंगे तो हम कम करेंगे ना, हम कम डिज़ाइन बनाएंगे ना, वो मशीन से बनाएंगे तो बहुत सारा बनाएंगे एक बार में, और उनका डिज़ाइन सस्ता भी होगा, क्योंकि हम अगर हाथ से करते हैं
तो हमें तो टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना, लेबर को भी देना पड़ेगा, और फिर तो हमारा डिज़ाइन तो थोड़ा महंगा होगा। वो मशीन से कर रहे हैं, उनका तो कुछ जा नहीं रहा है, एक बार में हम एक डिज़ाइन पूरा कर रहे हैं और वो एक बार में 100 डिज़ाइन पूरा कर रहे हैं, क्योंकि वो मशीन से कर रहे हैं, तो उनका तो सस्ता होगा। जो हमारा एक पे कॉस्ट जा रहा है वो उनका 100 पे कॉस्ट एंड टाइम जा रहा है, तो उनका सस्ता पड़ेगा ना। तो वो क्या करने लगे, हमारा डिज़ाइन चुरा के, वो वाइट मोसलिन, ठीक है, हमारे यहाँ कॉटन तो हमारा इंडियन प्रोडक्ट था, कॉटन तो उनके पास था नहीं, तो जो डिज़ाइन था कौन कौन सा, चिंत और बंदना, ठीक है, ये दोनों डिज़ाइन वो किस पे प्रिंट करने लगे, वाइट मुस्लिन पे, ठीक है, और प्लेन अनब्लीज्ड इंडियन क्लॉथ पे। वो लोग इंग्लैंड वाले उस डिज़ाइन को डालने लगे, क्योंकि डिज़ाइन ही तो सबको पसंद आ रहा था ना, और उसका ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया। हमारा इंडिया जितने में बेचता था ना, जितने में दूसरे देश को सेल करता था ना, उससे कम रेट पे वो इंग्लैंड वाले पूरे देश को सेल करने लगे। तो अब बताओ लोग क्या खरीदेंगे, जो सस्ता होगा वही खरीदना पसंद करेंगे ना लोग। तो ऐसे करेंगे अगर, तो हमारा इंडिया का प्रोडक्ट अगर कोई नहीं खरीदेगा तो हमारा इंडिया तो ऑलरेडी ऐसे डाउन पड़ेगा, है ना। यही केस उन्होंने उस वक्त किया, ठीक है, यही मतलब उसको कहते हैं ना कि अगर मना करने से नहीं माने तो फिर अपना वो तरकीब लगा लिया कि अब क्या करें कि इंडिया वाले का प्रोडक्ट हमारे नाम से सेल हो, है ना, हमें प्रॉफिट मिले। समझ आ रहा है ना सबको। देखो अब उसकी जो क्वालिटी थी, क्वालिटी तो ऑफकोर्स हमारा ओरिजिनल था, लेकिन रेट सस्ता था उन लोगों का, तो लोग उनका ज़्यादा खरीदने लग गए, है ना। आगे देखिए, हाउ एवर इंडियन टेक्सटाइल कंटिन्यू टू डोमिनेट वर्ल्ड टिल एंड ऑफ 18th सेंचुरी के एंड पे आके क्या हुआ, इंडियन टेक्सटाइल तो फिर भी अच्छा था, लेकिन अब उसको कंपटीटर मिल गया, है ना, कंपटीट करने वाला मिल गया, तो अब तो मतलब ऐसा होने लगा ना कि डोमिनेट करने लगा, ठीक है। अब आगे देखिए, यूरोपियन कंपनीज, मतलब वो जो करे तब भी हमारा इंडिया का जो प्रोडक्ट था, हमारा इंडिया का जो क्वालिटी तो वो नहीं मिल रही थी, वो लोग सस्ते में बेच रहे थे, लेकिन जो क्वालिटी, जो हमारा ओरिजिनल क्वालिटी था, वो ओरिजिनल तो नहीं था, वो लोग नकल कर रहे थे, है ना। हमारा ओरिजिनल था तो ओरिजिनल तो बिल्कुल ओरिजिनल होता है ना, नकल किया हो तो बिल्कुल नकल किया जैसा होगा, तो हमारे वाले से तो वो कंपेयर नहीं कर पाएंगे ना। तो इतने के बावजूद हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो उनसे ज़्यादा अच्छा था, ठीक है, वो उनसे बेटर था, बट उसकी डिमांड, हमारे जो इंडियन टेक्सटाइल थी उसका डिमांड ज़्यादा हो रहा था इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड वाले का, ठीक है, क्योंकि हमारा वाला का क्वालिटी ज़्यादा अच्छा था। ये 18th सेंचुरी की लास्ट की बात है। फिर देखो क्या हुआ, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, द डच, द फ्रेंच एंड द इंग्लिश, ये तीनों मिलके क्या करे, मेड इनॉर्मस प्रॉफिट आउट ऑफ दिस फ्लोरिजिंग ट्रेड। जो इस ट्रेड से उन लोगों को प्रॉफिट आ रहा था, उससे उन्होंने क्या किया, उससे उन्होंने हमारी जो इंडियन कंपनी थी वो उसको उन्होंने ख़रीदना चाहा, ऐसे कि तुम हमें कर दो, तुम हमें क्या कहते हैं, लो इतना पैसा ले लो या फिर इतनी प्रॉफिट ले लो और तुम हमें दे दो और पूरे देश को हम देंगे, कुछ ऐसा, ताकि हम उनको कम रेट पे दे और फिर वो अपना नाम करके सारे पूरे वर्ल्ड में वो उसको फैलाएंगे, ठीक है, ऐसी वाली चीज़ें हो गई। फिर आगे देखिए, दिस कंपनी परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग सिल्वर। बदले में हम लोगों को क्या दिया उन्होंने, सिल्वर, ठीक है, सिल्वर देके हमारी कंपनी को उन्होंने खरीदा। बट एज यू नो, व्हेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गेन्ड पॉलिटिकल पावर इन बंगाल, इट इज़ नो लॉन्गर हैड टू इम्पोर्ट प्रीसियस मेटल टू बाई इंडियन गुड्स। देखो फिर उन्होंने, उनकी जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो तो सेटअप, अब देखो कितना, हमारा तो बिल्कुल होममेड था ना, अब उनके पास इतना सिल्वर तो है नहीं कि वो हमारी पूरी ही कंपनी को खरीद ले, तो ये केस हो गया, ठीक है। तो अब उनको, उनके पास उतना मेटल ही नहीं था कि वो हमारी चीज़ों को खरीद पाए, हमारी इंडस्ट्रीज़ को खरीद पाए। फिर उन्होंने क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनीज़ को पॉलिटिकल पावर मिल चुका था, मतलब वो लोग बिल्कुल, वो आए थे यहाँ पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके इंडिया में, ठीक है, बंगाल में, जब अब उसकी जो प्रॉफिट थी, उससे जो उनको प्रॉफिट आता था, अब उससे उन्होंने खरीदने की कोशिश की, क्या, हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसको, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब आगे देखिए, समझ आया ना सबको, कैसे डोमिनेट करा उन्होंने, मतलब कैसे हमारी कॉटन इंडस्ट्री, जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, मतलब वो जब पूरे देश में फेमस होने लगा तो इंग्लैंड वालों ने क्या करा, मतलब यहाँ तक सबको क्लियर है ना, सबको जो भी मैंने बताया समझ आया ना।
ओके अब आगे देखो, वेयर वेयर द मेजर सेंटर ऑफ वीविंग इन लेट 18th century। ये देखिए ये मैप है, इसको आप लोग पढ़ना ठीक है, खुद से देखना। यहाँ पे देखो ये जो स्टार है ये प्लेन वाइट है ना, इसको आप खुद से पढ़ोगे, ये खुद से पढ़ने का है ठीक है। ओके अब आगे देखिए, यहाँ सॉरी, हु वेयर द बीवर्स। बीवर्स मीन्स क्या होता है, मैंने बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था बीवर्स का मतलब क्या होता है। बीवर्स मतलब क्या होता है, जो कपड़ा बुनने का जो काम करता है ना, देखो यहाँ पे दे भी रहा है ना, दिख रहा है ना फिगर, यही लोग बीवर्स हैं, दिख रहा है ना सबको, कपड़ा बुन रहा है ना ये लोग, यही हैं बीवर्स। देखो यहाँ देखो फिगर 9, अब यहाँ पढ़ते हैं इसमें क्या शो हो रहा है, आप लोगों को क्या बताने की कोशिश की जा रही है। देखिए बीवर्स ऑफन बिलोंग टू कम्युनिटीज दैट स्पेशलाइज्ड इन बेविंग। बीवर्स उस कम्युनिटीज़ को कहेंगे जो बेविंग के लिए स्पेशलाइज्ड होगा ठीक है। देयर सिल्क वाज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। जो कपड़े जो वो बुन रहे हैं, जो कपड़े वो जो बना रहे हैं, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जा सके है ना। द टेंटी बेवर्स ऑफ बंगाल, द जुल्हाज और मोमिन बेवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया है ना, सेल एंड ये सब जो नेम है ये सब बेवर्स है ना, नेम ऑफ बेवर्स। आगे देखिए दिख रहा है ना सबको, एंड देवगंस ऑफ साउथ इंडिया एंड सम ऑफ द कम्युनिटीज फेमस फॉर वेविंग। मतलब ये सारे जो हैं अलग अलग जगह पे, साउथ इंडिया मतलब कपड़े का ही डिज़ाइन देख लो, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया है ना, हर जगह पे अलग अलग तरीके का से पहना जाता है ना। उस वक्त भी ऐसा ही था, उस वक्त भी लोगों की पसंद मतलब लोगों का जो कपड़ा जो बुनने का स्टाइल था वो अलग अलग था, साउथ नॉर्थ साउथ वेस्ट हर तरफ अलग अलग था है ना। आगे देखिए द फर्स्ट स्टेज, जैसे कि कहते हैं ना लाइक साउथ की तरफ लोग ज़्यादा सिल्क पसंद करते हैं ना, इधर आ जाइए ईस्ट की तरफ है ना, लाइक कोलकाता है ना, ईस्ट के साइड पे लोग क्या पसंद करते हैं ज़्यादातर उन लोग ताज वाले कपड़े है ना, इस तरीके का, तो लोगों का स्टाइल अलग है, वेस्टर्न स्टाइल अलग है, नॉर्थ का स्टाइल अलग है ना। तो आगे देखिए इसमें, उस वक्त भी ऐसा ही था बिल्कुल, उस वक्त भी सबकी चॉइस अलग अलग थी, उनके अकॉर्डिंग कपड़े बनाए जाते थे, जिस कपड़े में कंफर्टेबल है वो पसंद करते थे है ना, जगह के हिसाब से अपनी पसंद के हिसाब से। आगे देखिए द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वाज स्पिनिंग अ वर्क डन मोस्टली बाई वुमेन। देखो ये जो काम था वो मेनली औरतों द्वारा किया जाता था, वुमेन्स के थ्रू किया जाता था ठीक है, वेविंग का जो काम था। द चरखा एंड द तकली, आपने सुना है ना कि पहले के ज़माने में कपड़े कैसे बनाए जाते थे, चरखा से ठीक है। वेयर हाउस होल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट, और ये मेनली उधर गुजरात के साइड पे ज़्यादा होता था है ना, अभी भी फेमस है ना सूरत, गुजरात का सूरत साड़ियों के लिए है ना, टेक्सटाइल के लिए। आगे देखिए द थ्रेड वाज स्पून ऑन चरखाज एंड रोल्ड ऑन तकली, वेन द स्पिनिंग वाज ओवर एंड द थ्रेड वाज वीवन इनटू क्लॉथ बाय वेपर है ना। चरखा से क्या, पहले के ज़माने में चरखा के थ्रू थ्रेड निकाला जाता था, कपड़े बनाए जाते थे, और ये काम औरत अपने और मेनली औरतें करती थी ठीक है, अपने घर पे बैठ के है ना, क्योंकि हमारे पास तो क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी तो थी नहीं पहले के टाइम पे, मशीन तो था नहीं है ना, तो लोग हैंडमेड ही काम करते थे। आगे देखिए व्हेन द स्पाइनिंग वाज ओवर द थ्रेड वाज woven into cloth by the weaver, in most communities weaving was a task done by men for colored textile, the thread was dyed by dyer known as rangrej है ना। अगर colorful चाहिए होता था तो उसको क्या करते थे, color में dye कर देते थे ठीक है।
मतलब कलर, उस पर कलर चढ़ाया जाता था कलर, कलरफुल कपड़े के लिए। फॉर प्रिंटिंग क्लॉथ द बेवर्स नीडेड द हेल्प ऑफ अ स्पेशलाइज ब्लॉक प्रिंटर्स नोन एज चिपी गर्स। मतलब देखो, अगर हमें कपड़े पे कोई प्रिंट चाहिए, अगर कपड़े पे कोई कलर चाहिए होता था तो क्या करते थे, उसको उसको डाई करते थे, रंगते थे, रंग में उसको उस पर कलर चढ़ाते थे, ठीक है। अगर कोई प्रिंट चाहिए होता था उसके लिए भी हमारे पास हैंडमेड इंस्ट्रूमेंट ही था, मतलब हाथ हाथ से ही होता था, ठीक है। अगर कोई प्रिंट चाहिए होता था तो उसके लिए क्या होता था, छिपी गर्स, इसके थ्रू हम लोग कोई भी प्रिंट डालते थे कपड़े पे, ठीक है। हैंडलूम वीविंग्स एंड ऑक्यूपेशंस एसोसिएटेड विथ इट प्रूव्ड लिवलीहुड फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस। देखो, हमारे इंडिया में बिल्कुल अब ऐसे मतलब होता था ना, पहले मजदूरों द्वारा काम किया जाता था, मशीन आने से तो अब फास्ट भी हो गया एंड हमारे इंडिया की इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छी हो गई। उस वक्त क्या था, बिल्कुल हैंडमेड था एंड काफ़ी लोग, देखो मशीन आने से क्या हुआ, मशीन आने से एक लॉस भी हुआ कि बेरोजगारी बढ़ गई, है ना। जब हाथ से काम होता था तो क्या होता था, एक काम को करने के लिए अब एक कपड़ा ही बनाना है तो 10 मजदूर की ज़रूरत होती थी, 10 मजदूर, तो 10 लोग काम करते थे और 10 लोगों को जो भी होता था कम ही पैसे मिलते थे उस ज़माने में, लेकिन सबकी घर मतलब इतना तो था कि सबका घर चल सकता था। मशीन आने से क्या हुआ, मशीन से के डेवलपमेंट से क्या हुआ, उस जिस काम को करने के लिए 10 मजदूर की ज़रूरत होती थी, अब उस काम को मशीन, 10 मजदूर की तो मजदूरी गई, है ना। तो उस वक्त ऐसा था, ठीक है, मतलब सारी औरतें भी घर की अगर काम करती थी तो उन्हें भी तो कुछ ना कुछ तो दिया जाता था ना बदले में, जिससे उनका घर चल पाए। बहुत लोगों का घर मतलब चरखा चला के, है ना, कपड़े बुन के, वेविंग करके, इस तरीके से बहुत लोगों का घर चलता था, ठीक है। उस टाइम मिलियंस ऑफ इंडियन इस पर डिपेंडेंट थे, ठीक है, समझ आ रहा है ना सबको। ओके, आगे देखेंगे, आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक, द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, ठीक है। डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब क्या हुआ, डिक्लाइन मतलब हुआ गिरावट, ठीक है। इंडियन टेक्सटाइल में गिरावट कैसे आया, कमी कैसे आया, कैसे आया, कोई एक्सप्लेन, देखो मैं ही बता देती हूँ, अब ये क्लास तो है नहीं कि मैं किसी से पूछूंगी, ऑनलाइन क्लासेज है तो मुझे ही बताना पड़ेगा, मैं ही बताती हूँ। देखो, डिक्लाइन मतलब गिरावट, इंडियन टेक्सटाइल में गिरावट कैसे आई, कैसे आया, मैंने भी बताया था ना, यूरोप वाले, इंग्लैंड वाले फॉर्म कर लिए थे मशीन एंड वो लोग भी स्टार्ट कर दिए थे प्रोडक्शन, है ना। तो ऐसे करेंगे, कंपटीशन देंगे तो ऑफकोर्स गिरावट तो आएगी ना। देखिए यहाँ, द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोड्यूसर इन इंडिया इन सेवरल वेज। फर्स्ट, इंडियन टेक्सटाइल नाउ हैड टू कम्प्लीट विद ब्रिटिश टेक्सटाइल इन द यूरोप, यूरोपियन अमेरिकन मार्केट। पहले के उस टाइम क्या था, सबसे पहले क्या था, सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इंडिया में ही था और पूरे वर्ल्ड पे सिर्फ इंडियन का राज था टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, है ना। अब इंग्लैंड वाले भी सेटअप कर लिए, अब तो दो लोगों का हो गया, है ना, दो लोगों को शासन हो गया, अब तो कंपटीशन करने वाले। तो सबसे पहले जब नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बढ़ेंगे, है ना, तो गिरावट तो पहले ही आ गया। दूसरा, वो लोग, हमारे पास हैंडमेड था, हम लोग हाथ से काम करते थे, वो लोग मशीन से काम करने लगे, है ना। तो ऐसे में जो जितना काम हम करके देंगे उससे 10 गुना ज़्यादा काम वो करेंगे, जितनी सप्लाई हम करेंगे उससे 10 गुना ज़्यादा सप्लाई वो करेंगे, है ना। सेकंड बेस ये भी था गिरावट का। तीसरा क्या था, हम हाथ से करते थे इसलिए हमारा थोड़ा महंगा होता था, वो मशीन से करने लगे इसलिए उनका हमसे सस्ता होने लगा, है ना, लोग तो सस्ता खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो इस तरह से 3 वेज था गिरावट का, और भी बहुत सारे तरीके थे, है ना। वो लोग हमारे देश पे आके बैठ चुके थे, अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके कब्जा कर चुके थे हमारे कैलकटा साइड पे, है ना। अब आगे देखते हैं, बाई द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल सक्सेसफुली आउटेड इंडिया गुड्स फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल मार्केट इन अफ्रीका, अमेरिका एंड यूरोप। अब देखो, जो इंग्लिश कंपनीज थी, जो इंग्लिश ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप किया था, जो ब्रिटिश ने सेटअप किया था,
है ना, वो 19th सेंचुरी में सक्सेसफुल हो गया और वो लोग अपना सामान जो था, वो लोग अपना जो कपड़ा था उनका डिज़ाइन किया हुआ कपड़ा, वो लोग दूसरे दूसरे देश में लाइक अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑल इन सारे जगहों पे वो लोग भेजने लगे, ठीक है, और चीपेस्ट क्वालिटी में भेजने लगे, तो ऑफकोर्स उनका ज़्यादा ज़्यादा मतलब वो लोग ज़्यादा खरीदने लगे, है ना, उनका कपड़ा का ज़्यादा सेल होने लगा, हमारा कम होने लगा, है ना, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट भी उनसे कम था, क्योंकि हम लोग हैंडमेड करते थे, उनके पास प्रोडक्ट ज़्यादा था क्योंकि वो मशीन से काम करते थे, है ना, और सस्ता भी था। आगे देखिए, थाउजेंड ऑफ बेवर्स इन इंडियन। अब देखो, अब जब कपड़ा ही नहीं बिकेगा, जब बिजनेस ही नहीं चलेगा, तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, जो है ना, जो काम करने वाले लोग होंगे, अब तो काम तो छूटेगा ना उनका, काम तो ऐसे छूट रहा था सबका, है ना। बंगाल बीवर्स बेयर रोस्ट हिट। अब ये जो ये बंगाल में, बंगाल के जो बेवर्स थे, ये लोग बुरी तरह से इसमें, मतलब इन लोगों का बिजनेस बुरी तरह से ख़त्म हो चुका था, क्योंकि क्यों, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ डेवलप हुई थी, कलकत्ता में, है ना, ब्रिटिश लोग कहाँ थे, बंगाल में, है ना, तो इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे थे, कौन, जो बंगाली बेवर्स थे, है ना, हमारे इंडिया के, ठीक है। अब आगे देखिए, इंग्लिश एंड यूरोपियन कंपनी स्टॉप बाइंग इंडियन गुड्स एंड देयर एजेंट्स, है ना, इंग्लिश और यूरोपियंस जो थे वो पूरी तरीके से हमारा जो इंडियन टेक्सटाइल था, इंडियन जो बिजनेस था, उससे सामान खरीदना वो लोग बिल्कुल बंद कर चुके थे, ठीक है। अब आगे देखिए, एडवांस टू बेवर टू सिक्योर सप्लाईज दिस ट्रेस बेवर रोड पेटिशन टू गवर्नमेंट टू हेल्प देम। अब जो हमारे इंडिया वाले थे, उन्होंने पेटिशन फाइल किया इंडियन गवर्नमेंट को, ठीक है, क्योंकि ऐसे उनका बिजनेस पूरी तरह से ख़राब हो रहा था। बट रोज बज स्टिल टू केम बाई 1830 ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ फ्लडेड इन इंडियन मार्केट। अब क्या हुआ, वो लोग दूसरे जगह तो कर ही रहे थे अपना बिजनेस, अब हमारा ही बिजनेस चुरा के हमारे ही देश में उन्होंने सेल करना स्टार्ट कर दिया, हमारा ही आइडिया चुराया, हमारा बिजनेस को पूरी तरह से बर्बाद करा, हमारे कॉटन इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से बर्बाद करा। जब हमने बिजनेस, जब हमारा बिजनेस बंद होने लगा, तो क्या किए, हमारा ही बिजनेस चुरा के हमें ही सेल करने लगे। मतलब क्या हुआ कि वो जो कॉटन इंडस्ट्रीज हमें ही देख कर स्टार्ट करा था ना उन्होंने, अब वही हमारे ही कंट्री में लाके वो सेल कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा आइडिया, हमारा कपड़ा और हमें ही बेच रहे हैं, ठीक है। इंडिया में भी उनका सप्लाई स्टार्ट हो गया, दूसरे दूसरे देश में तो हो ही गया, हमारे इंडिया में भी स्टार्ट हो गया, और काफ़ी चिपेस्ट था, तो जो हमारे इंडिया के गरीब लोग थे ना, वो खरीद के पहनने लगे उनका कपड़ा, ठीक है। देखिए यहाँ, क्योंकि उनका कपड़ा काफ़ी सस्ता होता था हमारे कपड़े से। आगे देखिए, इनफैक्ट बाई 1880s 2/3 ऑफ ऑल द कॉटन क्लॉथ्स वर्न बाई इंडियंस मेड ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन। अब देखो, 1880 की बात है, टू थर्ड का मतलब क्या हुआ, 75% इंडियन लोग, ठीक है, 75% इंडियन लोग ब्रिटिश कपड़े पहनने लगे हमारे इंडिया में, है ना, क्योंकि हमारा बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। तो सोचो, जब 75% हमारे ही लोग जब हमारा कपड़ा नहीं पहन के, मतलब हमारा तो बिजनेस ही बर्बाद हो चुका था, जब इंग्लैंड के कपड़े पहनने लगे, तो सोचो अदर कंट्री वाले तो बिल्कुल ही, हम तो बिल्कुल ही बर्बाद, इंडियन टेक्सटाइल तो बिल्कुल ही बर्बाद हो चुकी थी, है ना, बिजनेस हमारा बिल्कुल ही बंद हो चुका था। अब आगे देखिए, दिस अफेक्टेड नॉट ओनली स्पेशलिस्ट बीवर्स बट ऑल्सो स्पिनर्स। थाउजेंड ऑफ रूलर वोमेन हु मेड अ लिविंग बाई स्पैनिंग कॉटन थ्रेड वॉज रेंडर्ड जॉबलेस। अब देखो, बिजनेस बंद हुआ, तो जो बिजनेस करने वाले लोग थे उनका तो नौकरी छूट गया ना, मैंने बताया था ना, औरतें ज़्यादा ये बिजनेस करती थी, औरतें ज़्यादा काम करती थी, चरखा चलाती थी और कपड़े काटती थी, और उससे उसका घर चलता था। लेकिन बिजनेस बंद हुआ, जब बिजनेस ही नहीं रहा, तो वो तो जॉबलेस हो गए, उनके पास तो कोई नौकरी नहीं रही, है ना। हैंडलूम्स वीविंग्स डिड नॉट कम्प्लीटली डाई इन इंडिया। अब जो हाथ से जो कुछ काम रहता था ना, मतलब थोड़ा बहुत बिजनेस रह गया था, हैंडलूम बिजनेस रह गया था, ठीक है। दिस वॉज बिकॉज सम टाइप ऑफ क्लॉथ्स कुड नॉट बी सप्लाइड बाई मशीन्स। हाउ कुड मशीन्स प्रोड्यूस स्टेयर्स विथ इंट्रिकेट्स बॉर्डर और क्लॉथ विथ ट्रेडिशनल वोवन पैटर्न्स।
दिस हैड अ वाइड डिमांड नॉट ओनली अमोंगेस्ट द रिच बट ऑल्सो अमोंगेस्ट मिडिल क्लास. नॉट डिड द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग ब्रिटेन प्रोड्यूस द वेरी कोर्स क्लॉथ यूज बाई द पुअर पीपल इन इंडिया. अब देखो जो हैंडलूम वाला था ना, हैंडलूम का जो डिज़ाइन था हमारे इंडिया वाले प्रोड्यूस करते थे ना, तो वो बिजनेस रह गया था और कुछ कुछ उनका डिमांड अभी भी था, ठीक है. और जो यहाँ के जो मिडिल क्लास और जो पुअर लोग थे वो पहनते थे, ठीक है. आगे देखिए, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ सोलापुर इन वेस्टर्न इंडिया. सोलापुर एक जगह है वेस्टर्न इंडिया में, वेस्टर्न किधर साइड है, मुंबई के साइड, ठीक है. एंड मदुरा इन साउथ इंडिया. मदुरा किधर है, साउथ के साइड, ठीक है. दिस टू इमोजेड इम्पॉर्टेंट न्यू सेंटर्स ऑफ बेविंग इन लेट 19th सेंचुरी. अब देखो 19th सेंचुरी जब ओवर होने को आया ना, उस वक्त फिर नया टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ. वो कहाँ स्टार्ट हुआ, जो पुराने वाले थे वो तो बिल्कुल बुरी तरह से बंद हो चुका था. अब फिर से इसका रीस्टार्ट हुआ, लेकिन जगह कहाँ था, सोलापुर और मदुरा, ठीक है. दिस टू आगे देखिए, ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट महात्मा गांधी अर्ज्ड पीपल टू बॉयकॉट इम्पोर्टेड टेक्सटाइल्स एंड यूज हैंड स्पून एंड हैंड वोवन क्लॉथ. खादी है ना हमारा इंडिया का. देखिए, खादी ग्रेजुअली बिकम अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म. द चरखा केम टू रिप्रेजेंट द इंडिया, है ना. उस फिर क्या हुआ, लेट 19th सेंचुरी में खादी जो था वो सिर्फ इंडिया में बनाया जाता था और इंडिया खादी से इंडिया को एक पहचान मिली थी, है ना. चरखा भी हमारे इंडिया में बहुत ही फेमस, बिल्कुल इंडिया की, मतलब चरखा ने भी हमारे इंडिया को एक पहचान दिया, है ना. चरखा एंड खादी ये सिर्फ इंडिया में ही यूज होता है, इंडिया मतलब इनसे इंडिया को जाना जाता है, ठीक है. एंड इट वॉज पुट एट द सेंटर ऑफ ट्राई कलर फ्लैग ऑफ द नेशनल कांग्रेस एडाप्टर इन 1930, ठीक है. 1931 में क्या हुआ था, चरखा को नेशनल फ्लैग में भी लिया गया था. होता है ना बीच में, देखते हो राउंड वाला सिंबल होता है ना. आगे देखिए, व्हाट हैपेंड टू द बेवर्स एंड स्पिनर्स हु लॉस्ट देयर लिवलीहुड. अब देखो, जिनका नौकरी छूटा था, जिनका जॉब छूटा था, उनके साथ क्या हुआ होगा. मैंने बताया था ना, बहुत सारे वीमेन ऐसी थी जो घर पे काम करती थी चरखा से, है ना. उनका तो बिल्कुल बुरी तरह से बिजनेस ही बंद हो गया था, तो वो अपना लिवलीहुड कैसे चलाते होंगे. देखिए, अब उनका घर चलना मुश्किल हो गया था. मेनी वीवर्स बिकम एग्रीकल्चरल लेबर्स. अब देखो, बहुत सारे लोग उनमें से क्या, खेती करना स्टार्ट कर चुके, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो उस वक्त बर्बाद हो चुका था. तो बहुत सारे लोग क्या करें, खेती करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है. कुछ लोग ऐसे थे जो दूसरे शहर जाके नौकरी खोजने लगे, ठीक है. सम माइग्रेटेड टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क एंड एट अदर्स वेंट आउट ऑफ कंट्रीज टू वर्क इन प्लांटेशन इन अफ्रीका एंड अमेरिका. सम दिज हैंडलूम्स वर ऑल्सो फाउंड वर्क इन न्यू कॉटन मिल्स. अब देखो, मैंने भी बताया ना, रीयूनियन हुआ था न्यू कॉटन मिल का. पहले वाला तो बिल्कुल बंद हो चुका था, अब दूसरा जो हुआ था, ठीक है. तो कुछ वर्कर वहाँ चले गए नौकरी के लिए, ठीक है. आगे देखिए, अब जो न्यू कॉटन मिल था वो कहाँ इस्टाब्लिश हुआ था. डेट वेर इस्टाब्लिश इन बॉम्बे, ठीक है, नाउ कॉल्ड मुंबई, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर एंड कानपुर. इन जगह पे दूसरी बार फिर से लेट 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, ठीक है. मतलब पहले तो कब स्टार्ट हुआ था, एक तो 18th सेंचुरी में, वो तो बिल्कुल बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है ना, काफ़ी लोगों की रोजी रोटी छिन गई है ना ब्रिटिश की वजह से. एंड अब इंडियन वाले फिर से दूसरा स्टार्ट किया दूसरे शहर में, ठीक है. वो कौन कौन सा शहर था, कॉटन मिल के नाम से उसको जाने लगा, ठीक है. वो कौन सा था, बॉम्बे, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर एंड कानपुर, ठीक है. समझ आया ना यहाँ तक सबको, ओके. अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है. यहाँ तक आप लोग अच्छे से पढ़ो, फिर आगे देखते हैं दूसरी वीडियोज़ में नेक्स्ट टॉपिक, ओके.